हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है सम मैसेजेस फॉर यू। क्या आपके लिए मैसेज निकल के आते हैं हम वो चेक करने वाले हैं। एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग गाइस, सो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। जब भी आपको वीडियो मेरा सजेशन में मिले तब भी आप देख सकते हैं। सो बिल्कुल चिल करें आराम से एंड बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं। और आप अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को याद करें। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आप पॉजिटिव सुनने को मिलेगा, ठीक है। सो आप बहुत आराम से रिलैक्स होकर इसको सुने, ठीक है। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। बट कॉल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। सो लेट्स टेक अ लुक कि आज की रीडिंग में हमारा क्या मैसेज आपके लिए, क्या मैसेज निकल के आते हैं, ठीक है। सो देखते हैं सम मैसेजेस फॉर यू गाइस। हाँ, और जो लोग मुझे ब्रेसलेट का बोल रहे हैं ना, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। सो मैं जल्दी से ही, बहुत जल्दी, आई थिंक बहुत जल्दी मैं इसको आपको बोलने वाली हूँ कि अब अवेलेबल है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओहो, आपको बहुत जल्दी है किसी चीज़ की, आई थिंक आपको बहुत जल्दी है किसी चीज़ की, बहुत बहुत जल्दी है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ में थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आपको है बहुत जल्दी, राइट। भागने की कोशिश, आई थिंक आप अपने आप सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि होता है ना कि हमको कभी ना कभी चीज़ें नहीं आती हैं समझ में। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम बिल्कुल एकदम से माइंड में कोई चीज़ आ जाए एंड हम एकदम से डिसीजन ले लें, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। इनको देखते रहो साथ में एंड इनको भी देखते रहो, ठीक है। चिल करो, चिल करो, चिल करो। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को मैसेज आने दो, मेरे को आने दो मैसेज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास ना वो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट हो चुकी हैं, एंड मुझे लग रहा है कि आप उस घेरे में बंद हो गए हो। सर्कल बंद हो गया है, सर्कल इज़ क्लोज्ड नाउ एंड आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत सारी हो गई हैं। व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे, कुछ तो मेरे को ऐसा दिखा लाइक अ राजा वाली एनर्जी। सो मुझे लगता है कि मे बी समवन इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसा आपको फील हो रहा हो, या फिर आपको अपने आप में फील हो रहा हो कि आप किंग की एनर्जी में आ रहे हो, या फिर सामने वाला किंग की एनर्जी में है। यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ मुझे दिखाई दी है एंड कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी बात का डर भी है, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एज गैप दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि एज गैप थोड़ा ज़्यादा हो। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे आपने किसी के सामने सर झुका दिया है, या फिर कहते हैं ना सरेंडर वाली एनर्जी, वो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कि अब आप बस सरेंडर हो रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जहाँ पे आप बिल्कुल डिसबैलेंस हो गए थे, नहीं आपको समझ में आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि आपको इधर ही से ना गिर जाओ, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बैलेंस आएगा, ठीक है। बैलेंस डेफिनेटली आने वाला है और आएगा। देखो, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है, कुछ के साथ नहीं कर सकती है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस। सो मैं नहीं कह सकती हूँ कि ये बिल्कुल रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कहीं ना कहीं यू वांट टू लिव फ्री, ठीक है। और आपको अपनी लाइफ में, आपको क्या, किसी को अपनी लाइफ में टेंशन चाहिए ही नहीं है। बट यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ वो इसी तरीके की एनर्जी लाइक निकल के आ रही है
कि आप राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पास सारी पावर है, बट आपके पास मुझे लगता है कि मतलब आप जितना सोच रहे हैं उतना नहीं है कुछ भी, क्योंकि सीधी बात है यहाँ पे एक लाइन बन चुकी है या दिख रही है मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे किसी के साथ बहुत लोग, किसी के साथ बहुत कम। तो देखो गेट टुगेदर की एनर्जी भी निकल के आ रही है मुझे कि गेट टुगेदर हो सकता है। अभी देखते हैं कि क्या नज़र आएगा। और अपोजिट चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बिल्कुल अपोजिट सोचते हों या फिर आपका पार्टनर जो है वो आपसे बिल्कुल अपोजिट सोचता हो। कहीं ना कहीं मुझे एज गैप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, एक मैच्योर्ड पर्सन है और एक इमैच्योर्ड है, ठीक है। और एक बात बता देती हूँ कि बहुत लोगों की नज़र आप पे है, ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लोग देखते रहते हैं, आपके बारे में नोटिस करते रहते हैं, चीज़ें समझते हैं आपके बारे में, आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है लोगों का। एक कहते नहीं, बहुत लोगों की आंखें आप पर हैं, आपको नहीं समझ में आएगा बट बहुत लोगों की आंखें आप पर हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यू वॉन्ट टू डील वेरी कहते नहीं है कि आप जिस सिचुएशन में भी हैं, आई डोंट नो कि आप कौन सी सिचुएशन में हैं, बट आप जो हैं बहुत अच्छे से डील करना चाहते हैं लाइक कि सब चीज़ सही से हो जाए, मुझे ऐसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है, ठीक है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, आई डोंट नो कि क्या ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट बहुत देखिए आप खुद ही, कैसे दिखाऊँ मैं यहाँ पे, ये गिर जाएगा। किसी का मिलना होने वाला है बहुत जल्दी, आई थिंक बहुत टाइम से अगर नहीं मिले थे आप अपने पार्टनर से तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाले हैं आप, ठीक है। सीधा मिलेंगे, कॉल टेक्स्ट भी सिर्फ इसीलिए होगा कि आई वॉन्ट टू मीट यू, बस दैट्स इट, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, बस इतना ही होगा। एंड मिलने का चांस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, लाइक किसी को आप कुछ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं या कोई आपसे बहुत ज़्यादा बोल रहा है, ये वाली। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप या आपका पार्टनर बहुत ग्राउंडेड हैं, एक कोई बहुत ग्राउंडेड है और एक बहुत ज़्यादा दिखावा, उड़ना, शो ऑफ एंड गलत चीज़ें करना एंड कहीं ना कहीं किसी को नीचा दिखाना, इस तरीके की एनर्जी किसी एक पर्सन की है, चाहे आपकी चाहे आपके पार्टनर की। ऐसा लगता है मुझे एक किसी को बहुत रिग्रेट है और एक किसी को लाइक इट्स ओके वाली चीज़ है और एक किसी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। कुछ तो आप गिफ्ट विफ्ट रिसीव करने वाले हो या फिर आप देने वाले हैं आप अपने पार्टनर को। सो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि आप अपने पार्टनर को कुछ तो प्रेजेंट देने वाले हैं, कुछ अच्छा सा प्यारा सा। नाउ चेक कि आपके जिनके एक्स पार्टनर हैं उनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि उनके जो एक्स पार्टनर हैं वो क्या एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू सी कि आपके एक्स पार्टनर जो हैं वो क्या एक्शन ले सकते हैं। हाय हाय, पहले तो लग रहा है कि ऐसे गुस्से में कोई बहुत बुरा बन के बैठा हुआ है, ठीक है। कई लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो एक्शन लेंगे एंड कई लोगों के पार्टनर हैं जो आएंगे, ठीक है। कई लोगों के पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कई लोगों के पार्टनर आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर। एंड किसी ने मतलब सीधी सी बात, मुझे एक्शन में ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए वेट कर रहे हैं या फिर आपके आपको नहीं जाना चाहते छोड़ के, ये वाली एनर्जी जो है मुझे रिसीव हो रही है। जॉब का देखते हैं, जॉब में क्या आ सकता है आपके लिए। क्या
क्या चाहते हो कि मतलब बैठे बैठे खाओ पियो ऐश करो, ये वाली एनर्जी निकल के आई है। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी पोजीशन भी मिल सकती है आपको। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कई लोगों को तो अथॉरिटी पोजीशन मिलेगी, कई लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि मेरे को ज़्यादा काम ना करना पड़े और मेरी जॉब भी लग जाए और सैलरी वैलरी भी आती रहे, ये वाली एनर्जी भी निकल के आ रही है। जो लोग जॉब का सोच रहे हैं, बहुत दूर का सोच रहे हैं। देखो यार, सीधी सी बात है, जो अभी मिल रही है उसको आप एक्सेप्ट कर लो, बाद में जाके स्विच कर लेना या फिर बाद में जाके चेंज कर लेना, बट अभी जो रीसेंट आपको मिल रही है वो इम्पोर्टेंट है, कि आपको जो जॉब मिल रही है या कुछ भी, वो अभी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। सो आप उसमें रिग्रेट नहीं करने वाले हैं कि आपको रिग्रेट हो कि क्यों मैंने ज्वाइन की, क्यों मैंने ऐसा किया, नहीं। नाउ कुछ और मैसेज देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एकदम से बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें। डील कैसे करोगे? जो लोग बोलते हैं वो साथ देंगे, वो भी नहीं देते, ये माइंड में रखना हमेशा। कई लोग के पार्टनर तो ऐसे हैं, बिल्कुल कम बोलेंगे और स्ट्रिक्ट ज़्यादा रहेंगे, हैं ये एनर्जी निकल के आई है। देखो मिलना तो ज़रूर ज़रूर से होने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है? तो इससे तो बिल्कुल बेफिक्र रहो कि आप अपने पार्टनर से कब मिलोगे, मिलने का मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो लास्ट मैसेज कुछ भी अच्छा सा आए, मैं सोच रही हूँ। कई लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, या आप भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी में। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि थर्ड पार्टी वाला आपको धोखा देके जाएगा। थैंक यू एवरीवन, ठीक है? सो कुछ मैसेज देखते हैं हम। हे भगवान, ऐसे ना जाओ हम लोगों से दूर, है ना? कुछ मैसेज देखते हैं आपके लिए, क्या मैसेज निकल के आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। और जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज करें, ठीक है? एंड अपनी अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। जब भी मैं लाइव आती हूँ उसके बाद मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कमेंट में, मैम मेरे लिए बता दीजिए, मेरे लिए बता दीजिए। देखो जिसका जब लक होगा तब मैं पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन और आंसर कर देती हूँ, ठीक है? तो मैं बाद में ऐसे नहीं बता सकती हूँ ना, बाद में आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, है ना? तो इसका ध्यान रखें। सम मैसेजेस फॉर यू, देखते हैं कि क्या मैसेज आते हैं। पहला मैसेज है हमारे पास एट ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत कुछ छुपाए रहे हैं आप, या फिर आपसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, एंड आपको सच्चाई पता चल गई है अगर, तो आप बहुत परेशान हैं। एंड आप कहीं ना कहीं, आपके पास सब होते हुए भी कुछ तो ऐसी मिसिंग वाली एनर्जी है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड आपको रिग्रेट फील हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे रिग्रेट वाली एनर्जी भी है। सो मुझे लगता है कि रिग्रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको किसी बात को लेके, एंड अब आप वॉक अवे करना चाहते हैं या कर गए हैं, तो और भी ज़्यादा दिखते हैं और क्या आता है कार्ड्स। तो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मेरी एक विश जो थी वो पूरी नहीं हो पाई है, इस तरीके की एनर्जी निकल के आई है।
और देख लेते हैं हम हमारे पास क्या मैसेज आते हैं. सो वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड. सो आपको अभी भी एक उम्मीद है कि मे बी इट इज़ पॉसिबल कि चीज़ें सही हो जाएं. ठीक है, उम्मीद वाला कार्ड है. कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन, चाहे आप चाहे आपके पार्टनर, दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी है जो काफ़ी उनका जो टेम्पर है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एंड एक पर्सन ऐसा है जो उनको मना लेता है. बट फिर भी मुझे लगता है कि आप या आपके पार्टनर, आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए परफेक्ट है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी निकल के भी आ रही है. बट स्ट्रेंथ आपकी वही है, और आपको ये फील भी होता होगा, और नहीं होता होगा तो हो सकता है. बाकी मुझे लगता है कि इट्स अ ब्लेस्ड रिलेशनशिप. और देख लेते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली एनर्जी जो होती है ना वो निकल के आ रही है. कई लोगों की मैरिज आने वाली है. हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो आपको छोड़ के गए थे वो आपके पास कमबैक करेंगे, एंड एक सॉलिड कमिटमेंट आएगी मैरिज को लेके. एंड मुझे लगता है कि यस, आपके पार्टनर सच में आपसे शादी करना चाहते हैं. आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप जो हैं उनकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि इन कार्ड्स के बाद ये वाला कार्ड आने का मतलब यही होता है कि आपके जो एक्स पार्टनर हैं या फिर आपके जिनके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, तो वो आना चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग के साथ. बिकॉज वी हैव इट्स ऑफ वॉन्ट्स, उनको पता है कि उनको क्या करना है, बट कहीं ना कहीं उनको एक चीज़, कहीं ना कहीं तो डर है किसी बात का, चाहे आपको चाहे आपके पार्टनर को, कोई ना कोई बात का एक डर है. और देख लेते हैं, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग चाहते हैं. नाइन ऑफ कप्स, आई थिंक इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप इस समय, एंड मुझे लगता है न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप अपने पार्टनर के साथ, एंड चाहते हैं कि यस आ जाए आपका पार्टनर, अब बस कैसे भी करके आ जाए, एंड यू वॉन्ट टू मैरी. ठीक है, हिम और हर, वॉट एवर. ठीक है, सो यस, एनर्जी तो यही निकल के आ रही है. मैं तो देखो आपके सामने शफल कर रही हूँ, सो ये नहीं कह सकते हैं आपके मैम ने आपने मेरे सामने शफल नहीं किया, सो मैं शफल आपके सामने ही कर रही हूँ. टू ऑफ पेंटिकल्स, कई लोगों के पार्टनर अभी भी कन्फ्यूजन में है कि उनको करना क्या है. राइट, कोई बात नहीं, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से. ठीक है, कर्मा इज अ विच. ओके, सो वी हैव थ्री ऑफ वैंड्स. सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, इसीलिए ये टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है कि आपको कन्फ्यूज़न है कि आपको सिलेक्ट कर क्या करना है, आपको किस पर्सन को चुनना है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऑल्सो, मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं यू, और मुझे लग रहा होगा कि आप अभी अकेले समय स्पेंड कर रहे हैं अपने लिए, एंड कहीं ना कहीं आपको डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रही है ओनली बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन. दो ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है, एंड आप चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी मिले, बट दो ऑप्शन आपके पास हैं, सो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, एंड चाह रहे हैं कि सब ठीक हो जाए. वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे जाके थोड़ा सा समय लगेगा आपको, एक आध हफ्ते का, बट मुझे लगता है कि आप अपना एक्शन लेंगे और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्शन होगा. ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी कोई बहुत ज़्यादा विश फुलफिलमेंट था या थी, एंड मुझे लग रहा है कि अब आप उसको रिग्रेट कर रहे हैं कि आपने शायद जो भी चीज़ें की हैं वो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से सब हुआ है, 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ है, इसके अलावा कोई रीज़न ही नहीं है भाई. थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे. देखो, अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है. ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है. ठीक है, कहीं ना कहीं उसने आपको ऐसा नहीं कि चीट किया हो, ठीक है, डिच किया हो, एंड आप जो हैं परेशान हो गए हैं, एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या डिसीजन लेना है. और देखते हैं भाई कार्ड क्या आते हैं. वी हैव पेज ऑफ वेंड्स, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, एंड चाह रहे हैं आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आप, और मुझे लगता है सोशल मीडिया वगैरह पे आप काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, एंड अभी आपको लग रहा है कि बस आपकी चीज़ें सही हो जाए, शादी हो जाए इस तरीके की. बिकॉज वी हैव ऑल्सो टेम्परेंस कार्ड भी आया था, द एम्प्रेस, तो किसी को अब आप एम्प्रेस समझते हैं,
मे बी कोई एम्प्रेस है जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं, एंड बहुत शांत आपके लिए एक प्रिंसेस की तरह होगी। एंड मुझे लगता है कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग एंड बहुत काइंड नेचर की ब्लेस्ड होगी, एंड नेचर लवर भी होगी जहाँ तक मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तो पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पे किसी को बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, डेफिनेटली 100%। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लिए ना काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस समय, और जिसकी वजह से सिर्फ आप उसको देख पा रहे हैं, ना कि उससे बात कर रहे हैं, या बात नहीं हो रही है, या सेपरेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे बहुत जल्दी पहले तो कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि किसी, अगर आप सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरों से उसके बारे में पता लगा रहे हैं, ये तो मैं बोल सकती हूँ बिकॉज ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड। सेवन ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे निकल के, सो मुझे लगता है कि सेवन नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरी बात, काफ़ी फाइट करनी पड़ रही है आपको, या फिर चीज़ें सही करने के लिए। ठीक है, सो ऐसा मुझे लग रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, एक इमोशनल कनेक्शन बनने वाला है, या फिर इमोशनली फील कर रहे हैं अब आप, और कहीं ना कहीं दो ऑप्शन अगेन हैं बिकॉज वी हैव हेरोफेंट कार्ड, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। द स्टार लास्ट कार्ड ही है ये, द स्टार एंड द नाइन ऑफ सोर्ड्स, इमेजिनेशन एंड मैनिफेस्टेशन, आप दोनों चीज़ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप बहुत कुछ, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं मैनिफेस्ट, तो अपने आप चीज़ें हो रही हैं जो आप थोड़ा बहुत सोच लेते हैं। अगर नेगेटिव तो नेगेटिव सुनने को मिलेगा, अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आपको एक पैर पानी में और एक पैर धरती पे, और मुझे लगता है कि इमोशंस भर भर के बाहर आएंगे। आप किसी की आंखों के प्यारे हैं, तारे हैं, एंड मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ एक और लग रही है मुझे कि अगर आप नहीं तो आपका पार्टनर जो है मैनिफेस्ट कर रहा है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, तो दोनों चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। डीप थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, जितना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है उतना ओवर सोच रहे हो, है ना। एंड मुझे फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे मुझे लगता है फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स हैं, घर में झगड़े भी हो रहे हैं, और यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। किसी एक, मतलब ऐसे हो गया है ना कि लाइक कुछ नहीं बचता ना लाइफ में, समझ में नहीं आता, वो यहाँ पे कंडीशन बन रही है। चीट किया है आपने किसी को, अगर आपने चीट किया है किसी को तो आपको इसका कर्मा तो भाई भोगते ही है सब। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीटिंग वाली एनर्जी निकल के आ रही है। सो आप दो ऑप्शन लेके चल रहे हैं अभी भी, एंड आप चाहते हैं कि जो ऑप्शन है वो भी रहे और जो ऑप्शन नहीं था वो भी रहे, साथ में दोनों लोगों को लेके चलना चाहते हो। सो कैसे पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल होता है क्या? सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो जाके सब्सक्राइब करें, एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।